कोरमा पकाने जा रहे हैं, मसाले टमाटर वाला, और उसके सामान लिया हमने, अभी दिखाएंगे आपको। 1.5 किलो हमारा गोश्त है, और उसके लिए हमने 1.5 पाव घी डाल दिया, और ये 1/2 किलो प्याज ले लिए हमने, इसमें डालेंगे। ये हल्की गुलाबी करेंगे, गोल्डन नहीं करना है, दिखाते हैं आपको। उसके लिए हमने ये सारी सामग्री ली है, जो कोरमे के लिए जो प्याज डाली है हमने, उसके लिए 250 ग्राम दही लिया हमने, और 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया, और ये नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया हमने, और ये धनिया लिया हमने 2 चम्मच, और 2.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और ये भंगार के नहीं लिए 5 इलायची हैं, 2-3 टुकड़े दालचीनी के हैं, काली मिर्च हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, और 6-7 लौंग हैं, और 250 ग्राम टमाटर हैं, थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से डालने के लिए, और हरी मिर्च है, और हमारा 1 से 1.5 किलो गोश्त है, 1.5-2 किलो के करीब गोश्त है हमारा। ये केवड़ा वाटर है, गुलाबी होने लगी है, ये प्याज हमारी गुलाबी होने लगी है, देखिए थोड़ी सी और गुलाबी करेंगे, बिल्कुल नरम हो जाए एकदम। हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक डाल के थोड़ा करेंगे गुलाबी, इसमें गरम मसाला भी जाएगा, ये सब इसमें। देखिए हमारी गोल्डन ब्राउन होने लगी है प्याज थोड़ी थोड़ी, अब ये बस जल्दी से हो जाएगी, इसमें टाइम नहीं लगेगा। देखिए हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें मसाले डालेंगे सारे, गोश्त डाल के कसेंगे हम इसमें अपना, चलो देखिए टमाटर डालेंगे हम पहले इसमें, नरम होने देते हैं। गोश्त डाल के कसेंगे, गोश्त भी डाल दिया अपना इसमें, और हम इसे कसेंगे, सारे कस के मसाले सारे इसी में जाएंगे। अच्छे से कसना है ये सारा, देखिए टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, ज़्यादा ना डालें क्योंकि ये भुना हुआ होता है बिल्कुल। ये हल्दी पाउडर भी इसी में डालेंगे हम, ये अदरक लहसुन पेस्ट भी इसमें डालेंगे हम सारा, मिर्चे भी इसी में डालेंगे हम, थोड़े रोक लेते हैं, धनिया पाउडर भी इसी में जाएगा, दही भी इसमें डालेंगे, देखिए देते तेज आंच पे मिक्स करना इसे। गरम मसाला पकने के बाद डालेंगे, थोड़ा पक जाएगा जब जी। हरी मिर्चे भी हम साबुत इसी में डाल देंगे, 6-7 मिर्चे, हरा धनिया भी डालेंगे इसमें, थोड़ा सा ऊपर से जाएगा। देखिए इसे मिक्स करके छोड़ देते हैं हल्की आंच पे, और ये हल्की आंच में 10 से 15 मिनट लगेंगे इसे गलने में, दिखाते हैं आपको। जरा सा पानी डालेंगे हम इसमें 1/2 गिलास के करीब, ताकि मसाले जले नहीं, इसलिए हल्की आंच पे हम इसमें 1/2 गिलास पानी डालेंगे शीशे का। देखिए हमने इसलिए डाला है पानी ताकि नीचे मसाला लगे नहीं, दिखाते हैं आपको। 10 से 15 मिनट ढक के पकाएंगे हम इसे हल्की धीमी आंच पे बिल्कुल। हमारा चिकन कोरमा पक गया है, थोड़ा सा रह गया है, 10 मिनट और लगेंगे, इतना हम इसमें ये गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं इसी में,
और ये केवड़ा वाटर भी डालेंगे, हमने ये एक छोटी कटोरी ली थी ये भी डालेंगे हम इसमें। अब इसे हम हल्की आंच पे छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। ये मिक्स करके हम 10 मिनट के लिए इसे ढक के छोड़ देते हैं, फिर डिश में निकाल के दिखाते हैं आपको। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा कोरमा, आप देख सकते हैं। देखिए हमारा कोरमा बिल्कुल तैयार हो गया, हम डिश में निकाल के दिखाएंगे। इसमें हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं, कुछ डालना नहीं है, डिश में निकाल के दिखाते हैं हम। इसके इनके ये हमारा चिकन कोरमा देखिए बिल्कुल तैयार है, आप देखिए कितना अच्छा लग रही है। आप जरूर लाइक कीजिए, आप हमारी डिश को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और जरूर हमारे तरीके से बना के देखिए। पूरे हमारे किचन में खुशबू महक रही है इसकी, आप ज़रूर हमारे तरीका से बना के देखिए। आपको अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। अल्लाह हाफिज़, फिर हाजिर होंगे दूसरी रेसिपी के साथ।